अच्छा ज्योति सिंह अभी आई थी उनके सामने ये सब बातें आपने रखा कि जी 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 रखे क्या बोली वो बोली है तो देखिए बोल रही थी देखिए अगर एक बार हमको चाहिए चांस अगर चांस में अगर मिलता सफल होते हैं ज्योति सिंह इसका वादा किया जी 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 अभी यहाँ से जस्ट थोड़ी देर पहले ज्योति सिंह गुजरी है और ये आप देख पा रहे होंगे शॉप जो है ग्रेट व्हाइट इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे मौजूद थी और आकर ग्रे इलेक्ट्रिक्स भैया काफी क्या दिया इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे मौजूद थी अभी थोड़ी देर पहले ज्योति सिंह कैसा रिस्पांस रहा लोगों का ऑडियंस का और आपका कितना प्यार दुलार मिलेगा बहुत बढ़िया है इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहेगा बहुत हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं जब मैंने हाथ इनसे मिलाया तो इन्होंने अपना आपको मिलनसार समझ करके हाथ ये नहीं कि सटक करके हटा दिए हाथ मिलाया और उसके बाद बोला कि पवन सिंह जिंदाबाद सब कुछ बोला पवन सिंह जिंदाबाद और दूसरे नेता को हमने देखा है लल्लू यादव आए थे शत्रुघ्न सिन्हा आए थे उनसे भी हमने हाथ मिला चुका है लेकिन वो केवल हाथ ऐसे बढ़ाए ही इसलिए तो ये वो नेता है ये कलाकार है अंतर तो है ना कलाकार नेता में यही अंतर होना चाहिए कि मिलनसार होना चाहिए ये नहीं कि दिखाने के लिए हाथ बढ़ा करके खींच लिए दूसरा नेता है अब मिलनसार आदमी होता है कि मिलजुल कर रहना पसंद करता है ये नहीं कि हाथ ऐसे दिखाते गए हाथी से क्योंकि झूठो गए इसी के ये है कि अपने हाँ मैंने बुजुर्ग आदमी हूँ मैंने कोई हक नहीं था कि उनसे हाथ मिला सकता हूँ बेटी पोतो मतारी के समान थी लेकिन हमने हाथ मिलाया उन्होंने हाथ थामा क्यों थामा इसलिए कि मिसाल है समझती बात है लड़ाई दो युग में है राजा राम और ये पवन सिंह समझ गया ना हाँ लड़ाई दो युग में है ये तो निश्चित है देखिए यूथ भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जिस तरीके से हुजूम लगा हुआ था अभी ज्योति सिंह मौजूद थे सड़कों से गुजरे थोड़ा दिखाइएगा ये सड़क अभी सन्नाटा हो चुका है क्या लगता है कितना काराकाट के नासरीगंज से सहयोग रहेगा ज्योति सिंह आई थी देखिए सर यहाँ के तो सब चीज आपका सही है लेकिन आपका नासरीगंज के आपका बहुत काफी आपका बेरोजगारी आपका मुद्दा है बहुत काफी है अगर इतना मनी काफी इसका है बेरोजगारी कोई इसका कोई गिनती नहीं है जब सिंह इसको दूर कर पाएंगे देखिए नहीं होगा दूर जब तक कोई आदमी मने तो पार्टी के लोग नहीं आकर इसको दूर कर पाएगा तो कोई आदमी मने तो पवन सिंह के बस का चीज के नहीं है आपको क्या लगता है कि बीजेपी को फिर से यहाँ सलाह देना चाहिए नहीं इस तरह की बात नहीं है उपेंद्र कुशवाहा आप क्या कहना क्या चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा आना चाहिए यहाँ पे यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर यहाँ पर ये तो निर्दलीय है आप कहना क्या चाहते हैं फिर स्पष्टीकरण इसका क्या होगा इनका है तो मने चाहिए लेकिन लेकिन आपका लेकिन देखिए एक बार इनको भी देखकर हम लोग चांस इनको देखते हैं इसके दे रहे हैं हाँ। बस यही बहुत है आप चांस तो दीजिए कम से कम एक बार क्योंकि 10 साल से तो देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ चांस इनको देख हम लोग 5 साल देख रहे हैं इसके बाद अगर नहीं इनका दूरी अगर होगा यहाँ से काराकाट का मेन मुद्दा तो फिर हम लोग छोड़ देंगे इनको अभी देखिए पवन सिंह से भी साफ तौर पे यहाँ पे हम एक सूचना देना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता के यहाँ पे उम्मीद जुड़ी है आपसे एक बार 5 साल आपको मौका देके देखने के लिए जनता यहाँ पे यूथ भी है आप बुजुर्ग भी है सब लोग जो है कहते हैं कि नहीं जो एक बार जो है मौका देकर के पवन सिंह को देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या कुछ करते हैं और आपका नासरीगंज के मेन मुद्दा है कॉलेज यहाँ के बाल बच्चे मेरे बच्चा मेरी बेटी मेरी कोई भी आदमी है यहाँ से लोग मैंने तो विक्रमगंज लोग जाते हैं विक्रमगंज जाते हैं यहाँ से विक्रमगंज आपका आपका 25 किलोमीटर है डिहरी आपका 25 किलोमीटर है और आपका सासाराम आपका 45 किलोमीटर है यहाँ से लोग छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए अच्छा, ज्योति सिंह अभी आई थी उनके सामने ये सब बातें आपने रखा जी 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 रखे क्या बोली वो बोली है तो देखिए बोल रही थी देखिए अगर एक बार हमको चाहिए चांस अगर चांस में अगर मिलता सफल होते हैं ज्योति सिंह इसका वादा किया जी 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 क्या बोल हम बोलना चाहते हैं ये कि कोई पार्टी पौवा से मतलब नहीं है ये निर्दलीय है तो यहाँ निर्दलीय भी जीत चुके हैं शाहबाद से भी जीत चुके हैं नासीगंज से भी जीत चुके हैं कहा जाता है कि काराकाट क्षेत्र से कोई निर्दलीय तक जीतने लिए जीता है शाहबाद रोहतासे जिला में निर्दलीय जो थे कौन सोशलिस्ट पार्टी के जीत चुके हैं तो मैं चाहता हूँ कि निर्दलीय होने से नहीं मतलब पार्टी से मतलब नहीं है काम करने से मतलब है यहाँ के बच्चों को कितना कॉलेज स्कूल में पढ़ने में तकलीफ होता है यहाँ पर हो जाना चाहिए रेलवे नहीं है यहाँ पर जो नेता जीत कर जाता अभी आई थे ज्योति सिंह सारी बातों को रखा आपने कि नहीं रखा हमने रखा इसलिए रखा कि हमको भेंट नहीं हो पाया हमने केवल ये देखा कि उन्होंने हाथ मिलाया तो हटाया नहीं अच्छा चैनल के माध्यम से आप बोल दीजिए इस माध्यम से बोल दीजिए पब्लिक चारों तरफ से घेरे हुए है उस बीच में मैं वहाँ पर गया उनके गाड़ी के पास हाथ मिलाया उन्होंने बढ़िया से हाथ मिलाया वो नहीं सोचा कि ये कौन है कौन नहीं है हमने हाथ हको हटा करके पवन सिंह जिंदाबाद बोला अच्छा, हाथ मिलाने से काम चल जाएगा कि कुछ काम भी होना चाहिए काम होना चाहिए हाथ मिला इसलिए कि हमने देखा कि मिलनसार है कि नहीं
वहाँ पर जाने पर जान, इस बार पवन सिंह को ला रहे हैं आप। हाँ, दूसरा नेता के पास जाइएगा ना तो पहले ही उसका अंगरक्षक जो है ना आपको कहेगा अरे यहाँ छू रहा है, भगाओ उसको। भैया जी, यहाँ के मेन आपका मुद्दा है कॉलेज। कॉलेज कोई भी अगर पार्टी के लोग आए कॉलेज दे तो नासरीगंज का वोट एकदम एक जुट करके आपका वोट मिलेगा ही। जी जी जी, एक बार कोई भी पार्टी आके कर दे, मैंने वादा कर दे, हमको लिखित दे दे बॉन्ड पेपर पर। अरे क्या बोल रहे हैं, अरे कॉलेज के लिए लिखित दे, कोई अगर नेता है उसको वोट भी लिखित से दिया जाएगा कि आपको सारा वोट मिलेगा कॉलेज, ये कॉलेज के लेकर। यहाँ कॉलेज में केंद्र के जो बती राजनाथ सिंह यहाँ पर आए होते हैं, आए होते हैं, आपके तो दुकान में ही बैठी हुई थी आके मैम आज जी, तो आए हुए थे यहाँ फील्ड पर नासरीगंज। वो बोल कर गए थे कि हमारा पार्टी जीते या हारे नासरीगंज में कॉलेज होगा, जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग विक्रमगंज में राजनाथ सिंह से मिलने जाएंगे, जो उनका 26 तारीख का प्रोग्राम है राजनाथ सिंह का, जो नासरीगंज आपका फील्ड में गांधी मैदान फील्ड में वो बोल के गए थे हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम फिर से हम मन नासरीगंज में कॉलेज देंगे। हम लोग यहाँ से जीते या हारे हम यहाँ पर कॉलेज दे के जाएंगे, नहीं दिए नहीं दिया तो फिर मांग। और हम लोग यहाँ पर बहुत से सैकड़ों बाल बच्चे हम लोग मिल के सोचे हुए अपना गाड़ी करके हम लोग विक्रमगंज में जाकर काला पट्टी लेकर उनको घेराव करेंगे, अवश्य उनको घेराव करेंगे, भाजपा के करेंगे विरोध हम लोग। आप नासरीगंज में इस तरह का किए थे वादा, क्यों नहीं आप किए? चलिए, उम्मीद है कि पवन सिंह को लाएंगे उसके बाद। देखिए हम यही कहेंगे काराकाट के संपूर्ण जनता से, इन निर्वाचन क्षेत्र के, चाहे भोजपुरी क्षेत्र के हो चाहे मगही क्षेत्र के हो, एक कलाकार ही क्यों नहीं है पवन सिंह, एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है, इसलिए इनको वोट देकर जिताकर एक बार मौका देकर देखना चाहिए कैसा काम करते हैं। ये जरूर खड़े उतरेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के मतलब निवासी है, एकदम इस पार और उस पार में कुछ अंतर नहीं है इस क्षेत्र के। सुनिए, यहाँ के मेन मुद्दा एक और है, यहाँ इस क्षेत्र के काराकाट हो या आपका रोहतास जिला हो, रोहतास जिला में डालमिया नगर एक फैक्ट्री था, आपको भी भैया मालूम होगा, आपके उसमें पापा हो चाचा हो उसमें जरूर काम करते होंगे, जुड़े होंगे। वहाँ पर डालमिया नगर को मेन इनको फोकस करना चाहिए, कोई भी पार्टी को हो, कोई भी पार्टी हो, संसद कोई भी पार्टी को हो, ठीक, उनको डालमिया नगर पर फोकस करना चाहिए, डालमिया नगर को खुलवाना चाहिए। और आपका बहुत से दिन से यहाँ से सालों से आपका पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग के बाल बच्चे को आपको जाना पड़ता है पढ़ने के लिए कॉलेज में डिग्री ऑनसोन, तो वहाँ पर हम लोग के बहुत तरह से घूम के जाना पड़ता है, आपका जाने में करीबन 10 मिनट का समय लग जाता है, 10 से 20 मिनट, और वहाँ देरी पहुँच कर पाली पुल के लिए पूरा पुल जाम है, बताइए उस पर सर्वोपरि आपको इनको ध्यान देना चाहिए कोई भी पार्टी हो। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ से, हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्योति सिंह यहाँ से गुजरी और लोगों की यहाँ पे जो है समस्या है कि कम से कम एक कॉलेज जो है नासरीगंज में यहाँ पे होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से? पवन सिंह अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझसे गुजारिश है कि यहाँ पे कॉलेज जो है